NES विधि महाविद्यालय एवं विकी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में विश्व योग दिवस पर युवाओं में व्यसनों से उत्पन्न विवाद में मध्यस्थता स्थापित करें संवाद सेमिनार का हुआ आयोजन। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए शिखा सिंह बघेल ने बताया कि विश्व योग दिवस के अवसर पर NES विधि महाविद्यालय एवं विकी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं में व्यसनों से उत्पन्न विवाद में मध्यस्थता स्थापित करें संवाद सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि नीना खरे, नेशनल मेंबर विकी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मंजरी मिश्रा, प्राचार्य NES विधि महाविद्यालय ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर मंजरी मिश्रा ने किया। सेमिनार में नीना खरे ने बताया कि सभी अधिवक्ता, शिक्षक, विद्यार्थी एवं विधि क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि विवादों को न्यायालय में ले जाने से पूर्व ही मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निराकरण कराया जाए। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। तो योग और व्यसन दोनों ही सनातन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे। गीता में भी श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति सफलता के बारे में बातचीत की। ये युवा आने वाले समय में विधि व्यवसाय में शामिल होकर के समाज के विभिन्न विवादों को निपटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी अपेक्षा के साथ हमने मध्यस्थता के बारे में विकी टीम के साथ मिलकर के इन्हें कुछ जानकारियाँ प्रदान की हैं, जिसका ये अपने व्यवसाय में और निजी जीवन में इस्तेमाल करते हुए विवादों का निपटारा कर सकें, इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर अपना परिचय देंगे। जितेंद्र सिंह बघेल, उप शासकीय अधिवक्ता और विधि शासक। ये सेमिनार बच्चों को मीडिएशन और ADR जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है उससे बच्चों का परिचय कराने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और चूंकि विकी टीम इसी भी मुद्दे पे काम करती है, इसीलिए हमने उनको बुलाया बच्चों को जागरूक बनाने के लिए, मीडिएशन के लिए एक सेमिनार आयोजित कराया। और हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के जन जन तक एंड यूजर तक हम इस कॉन्सेप्ट को पहुँचा सकें कि किस तरह हम विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता को अपना सकते हैं और हम ऐसे विवाद कि हर एक विवाद का समाधान विवादों के समाधान हेतु हमें न्यायालय ही जाना पड़ेगा, लेकिन जो विवाद आसानी से सुलझ सके, जिसमें रिश्ते बच सके, समाज की प्रतिष्ठा बच सके, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बच सके, व्यक्ति का समय, धन और सारे उसके रिसोर्सेज बच सके, सीमित हो सके, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट से जागरूक हो सके और वो हमेशा अपने विवादों का मैम विवादों की मध्यस्थता के लिए हमारी विकी टीम किस किस स्तर में काम कर रही है, थोड़ा बताएंगे? हमारी विकी टीम इस वक्त जबलपुर के अलावा प्रादेशिक स्तर पर हमने निरीक्षण किया है और हर बड़े शहर में हमारे सदस्य उपलब्ध हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सिवनी, छिंदवाड़ा, सभी जगह हमारे सदस्य उपलब्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से जबलपुर का हमारी जो टीम है वही कार्य करती है और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है हमारी टीम का जो भी सदस्य है